जय हिंद प्यार साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टाइल क्लासेस में स्वागत है। जिनका भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सपना है, पूरा करना है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे पूरा किया जा सकता है। अभी से जो 90 दिन टाइम है आपके पास, कैसे करेंगे ताकि हम ड्राइवर बन सकते हैं। आज से हम कहते हैं कि अगर 90 दिन टाइम देते हैं तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मेरे साथ टाइम दीजिए और अपने आप में भी टाइम दीजिए। अगर कहीं आप ज्वाइन किए हैं वहाँ भी टाइम दीजिए। ठीक है, एक टाइम शेड्यूल के साथ अगर आज से तैयारी करना शुरू करते हैं 90 दिन के साथ में, तो आपका आज से सिलेक्शन होने में आपका शुरुआत शुरू हो जाएगा। तो आप आज से लग जाइए और आज हम बताने वाले हैं 90 दिन का स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे 90 दिन हम लोग करके दिल्ली पुलिस ड्राइवर को लिया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में आपको बताएंगे इसकी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी है और सिलेबस में टॉपिक जानना ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर्स आएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम दिया जाए, ताकि जो है से हम उसे सिलेक्शन ले सकते हैं 90 दिन के अंदर। देखिए, पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं और बहुत आलतू फालतू चीज़ें भी किताब में दिया रहता है और लोग पढ़ता है, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है 90 दिन का, जैसे स्मार्ट बॉय पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 1411 पोस्ट है और हम इसका पूरा वीडियो भी दे चुके हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारा चीज़ हम दे चुके हैं और आज का जो वीडियो है आपको ये देने वाले हैं 90 दिन का स्ट्रेटजी। और इसमें सिलेबस सबसे पहले ज़रूरी है जानने का, उसके बाद स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन अब जो है से इसमें क्या कर दिया है, निगेटिव मार्किंग कर दिया है। और निगेटिव मार्किंग करने से बहुत सारे बच्चों को जो है से यहाँ पर परेशानी होने वाला है, क्योंकि पहले बच्चे जाते थे ठकनिया मार के 100 में 100 में आते थे, लेकिन वो बच्चा अब 100 में 100 तुका नहीं लगाएंगे और तुका लगाने से काम नहीं चलेगा, तो जो पढ़ेगा वही होगा। ठीक है, तो देखिए, और टाइम 90 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन 100 को रहेंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में जान गए हैं, जीके जीएस रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। मैथ है 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग है 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। ड्राइवर ट्रेड है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। और टोटल जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और नंबर 100 आपको रहेगा। 90 मिनट टाइम रहेंगे, 0.25 निगेटिव है, इसको करना है 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग इक्का करके देखेंगे कि जीके जीएस से कौन कौन टॉपिक से आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से कितना आता है। मैथ को देखेंगे, रीजनिंग को देखेंगे, ड्राइवर ट्रेड को देखेंगे, इसके बाद हम लोग 90 दिन का स्ट्रेटजी प्लान बनाएंगे। देखिए, जीके के बारे में हम आपको बता दें कि हिस्ट्री में आपको मात्र 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, 2 से 3 मान के चलिए। ठीक है, पॉलिटी में भी आपको 2 से 3, 1-2 ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको भी मिल जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ भी मिल जाएगा। इकोनॉमी से एक आध क्वेश्चन डाल दिया तो ठीक है, नहीं डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिजिक्स से एक आध क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके रहेगा और करेंट अफेयर रहेगा। आपका स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन करेंट में भी आपको मिल जाएगा। और वैसा करेंट अफेयर जो वन लाइनर हो, ये बहुत हार्ड एग्जाम नहीं लेता है, ये चलते डीपली में नहीं जाना है, एकदम हलुआ हलुआ टाइप का क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है। तो स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन और करेंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन। तो आई होप जान गए होंगे कि हिस्ट्री से कितना, 2, पॉलिटी से 2, ज्योग्राफी से 3 और इकोनॉमी से 1, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के 4 से क्वेश्चन रहेंगे। स्टैटिक 4 से 5, करेंट अफेयर 4 से 5। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जीके से आपको पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ड्राइवर जो ट्रेड है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ड्राइवर ट्रेड है, इसमें वहाँ बोला गया है कि आपको इन सारी चीज़ों से 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा और आपको
सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देने वाला है यहीं से मिलेगा। काहे कि रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ सारे लोग 50 में 45, 42 करके ही आएंगे। और हालांकि वो सब पढ़ रहे हैं लोग और काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेड उनके लिए अनजान होता है और ट्रेड में लोग फंसता है। ट्रेड में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको डेली क्लास लाइव देने वाले हैं। और एक एक दिन लाइव क्लास चलेगा, एक दिन आपको जैसे टेस्ट चलेगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो एक अल्टरनेट करके हम चलवा रहे हैं, यह स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन के अंदर। एक दिन आपको चलेगा 50 को जीके चले ड्राइवर ट्रेड से चलेगा, और एक दिन आपको क्लास चलेगा, ठीक है। क्लास एक दिन होने वाला है, एक दिन आपको टेस्ट होने वाला है। तो जो चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे उसको ख़त्म करेंगे क्लास बाय क्लास, उसके बाद जैसे अगला चैप्टर उसी प्रकार से हम ख़त्म कर देंगे आपको एग्जाम से पहले। और अल्टरनेट चलेगा, एक टेस्ट तो एक क्लास अल्टरनेट, ठीक है। और अगर जीके जीएस का आप पे क्विज करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब जैसे जीके जीएस एक विलेज चैनल है, वहाँ पे हम लोग करते हैं, वहाँ जाके आप इसे सर्च करिएगा जीके जीएस विलेज, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, हम ही करवाते हैं आपको, ठीक है। क्विज बहुत बच्चों का डिमांड, ऑफलाइन बच्चे हैं उन सारे बच्चों के डिमांड पे चालू किए हैं, ये ऑनलाइन है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें आके अपना टाइम दीजिए, वहाँ पे हलवा टाइप के भी क्वेश्चन को लिया जाता है और टफ क्वेश्चन भी लिया जाता है। कहा है कि वहाँ पे सारे एग्जाम्स के जितने प्रिपरेशन, जैसे बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, ग्रुप डी है, रेलवे का एनटीपीसी है, सारे की तैयारी वहाँ पे जीके जीएस के लोग करते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ी जाइए, आप वहाँ पर डेली आपको सुबह शाम मिलता है, करेंट अफेयर भी इसमें चलता है, तो वहाँ से कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ तो हम डाल ही रहे हैं, धीरे धीरे करके मैथ आपको दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मोटर अधिनियम से आपको जैसे क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये वाहन संबंधित से क्वेश्चन रहेंगे और संकेत से रहेगा। जो सिंबल होता है यातायात संकेत, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है। और आपका गाड़ी से जानकारी जो है से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, लगभग 25 क्वेश्चन दोनों के अगर मिला दिया जाए तो 25 क्वेश्चन के आसपास ये दोनों टॉपिक से रहने वाला है, ठीक। उसके बाद वाहन के रख रखाव से आपको जैसे 10 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक। फिर मोटर वाहन अधिनियम से 9 से 10 क्वेश्चन, और जो करेंट अपडेट होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो होते हैं वो करेंट अपडेट होते हैं, तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो इसको न भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके नज़र में कोई अधिनियम ऐसा लाया गया, मोटर अधिनियम में चेंज किया गया है, यातायात रूल चेंज किया गया है, तो उसको हम लोग देखते रहेंगे, तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो ये सारे टॉपिक को हम क्लास देने वाले हैं आपको, क्लास 1-2 करके हम देते जाएंगे, और एक अल्टरनेट आपको टेस्ट भी लेंगे। अगर आप लोग के मन होगा किसे क्विज के रूप में चलाइए, तो क्विज भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है, अभी नहीं कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो क्विज भी हम जैसे बिहार ड्राइवर में हम क्विज भी चलाए थे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, मज़ा आता है। ग्रुप में पढ़िएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको याद करने की क्षमता जैसे बढ़ जाता है, और कुछ कुछ चीज़ें जो होता है विस्तार से जाना शुरू कर देता है लोग एक दूसरे में करके, ठीक है। कमेंट में सारे बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन लाए उस पर बहुत सारे डीपली में लोग जाता है, तो बहुत सारी चीज़ सीखने की मिल जाता है ग्रुप में, ठीक है। कहा है कि यहाँ पे एक बच्चा नहीं जुड़ा है, यहाँ पे बच्चा जो है 100,000 बच्चा जुड़ता है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्विज से होता है। तो ड्राइवर का आप कहीं भी है तो क्विज भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम चालू करेंगे तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के डिमांड होगा तो इसको हम लोग चालू करेंगे, और ये भी आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के लिए सोचना नहीं है, हम इसे पूरा करेंगे 50 में 50, ठीक है। हमारे पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं, बिहार ड्राइवर में हम कैसे हुबहू क्वेश्चन को लड़ाए थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ से सफल हुए थे, ठीक है। मेरा एक बुक भी है
ठीक है, बुक लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। वो ड्राइवर ट्रेड का ही बुक हम बनाए हैं स्पेशल, और बहुत पतला बुक बनाए हैं, ज़्यादा हम लेंदी नहीं बनाए हैं। ठीक है, जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं उसे डाल दिए गए हैं उसमें, और बिना मतलब वाला कोई भी बात वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मैथ में देखते हैं। तो मैथ में आपको औसत एवरेज पढ़ना है, लाभ और हानि, एलसीएम और एलसीएम, और एससीएफ। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज लिखा गया है, एससीएफ हो जाएगा, और अनुपात और समानुपात, एज और आयु, एसआई सीआई, प्रतिशत और बट्टा, रेलगाड़ी, एलिगेशन यानी मिश्रण। ठीक है, समझ रहे ना, और पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, ठीक है, क्षेत्र मिति और नंबर सिस्टम, यही टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, एलसीएम और एससीएफ। एक आध क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात से मिल जाएगा, आपको क्षेत्र मिति से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और बाकी से 1 का क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। तो आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए, दो चैप्टर ही और एक नंबर सिस्टम और क्षेत्र मिति, इतना आप कंप्लीट करिए। 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको 6 से 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रीजनिंग में देखेंगे, तो रीजनिंग में भी पूरे सिलेबस कुछ कुछ छोड़ के जैसे डाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको क्लॉक कैलेंडर, वेन डायग्राम, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन, दिशा, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस एंड क्यूब, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, आकृति घुमाव वाला रहता है ऐसे, पेपर कटिंग जो आप देखे होंगे आता है, मैट्रिक्स, जल और दर्पण, प्रतिबिंब, और यहाँ पे जैसे अल्फाबेटिकल जो आता है क्वेश्चन, उस पर क्रमबद्ध सारे चीज़ें जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कहाँ से आने वाले हैं, तो इससे एक आध क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं तो नहीं भी मिल सकता है। आपको दर्पण से अल्फाबेटिकल हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है, आकृति हो गया, पेपर कटिंग हो गया आपको, और ई सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपको डाई से मिलेगा तो मिलेगा, एक आध को रैंकिंग से मिल जाएगा, वेन डायग्राम से अगर एक आध को देगा तो देगा, और नहीं तो नहीं देगा। तो इस सारी चीज़ को आपको ध्यान देना है रीजनिंग में, जहाँ से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप बात करने वाले हैं। ये तो सिलेबस के बारे में हम आपको डीपली से बता दिए कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से आपका पूछा जाएगा, कौन कौन चीज़ें पढ़ना है, कितना कहाँ से पूछा जाएगा सारा चीज़। अब हम 90 दिन के जो प्लान आपको बताने वाले हैं वो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास जीके, मैथ, रीजनिंग और ड्राइवर ट्रेड है। ये जो आपको 50 नंबर का है ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन ड्राइवर आप नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है किस में देना है, ए ड्राइवर के साथ में, 50 नंबर वाला में सबसे ज़्यादा। अगर आप 10 घंटा टाइम निकालते हैं अपने पढ़ने के लिए, तो आप 6 से 7 घंटा इसमें टाइम देंगे, ठीक है। फिर आपको मैथ 10 नंबर के यहाँ पे है, और रीजनिंग 20 नंबर के, यानी 30 नंबर यहाँ पे है। तो उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग का ध्यान देना चाहिए, एक सेट प्रैक्टिस लगाना चाहिए आपको मैथ रीजनिंग का 30 का, ठीक है। सेट प्रैक्टिस भी आप लगाते हैं तो इजीली आपको बन जाएगा, और नहीं तो बेसिक चीज़ें आपको जानकारी लेना है तो बेसिक चीज़ भी वहाँ से थोड़ा पढ़ सकते हैं, और जीके जीएस जैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। जीके जीएस में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक जीके में और करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन आपको 10 देखने को मिल जाएगा, तो उसे करिए। और जो विविध होता है वन लाइनर क्वेश्चन, उसको छोटा बड़ा ये सब, वो विविध वाला ज़्यादा पढ़िएगा, आपको फायदा करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें टाइम देना है तो 6 से 7 घंटा इसमें टाइम देना है, अगर 10 घंटा के शेड्यूल बनाते हैं तब इसमें 1 से 2 घंटा इसमें टाइम देना है, और 1 से 1.5 घंटा जीके जीएस में आपको टाइम देना है।
और एक सेट आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। इतना सारा चीज़ अगर करते हैं और कहीं अगर क्लास लिए हैं चाहे पढ़े हैं तो उसको रेगुलर पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए उसको, ठीक। अब हम कुछ बातें बताने वाले हैं कि ये सब होगा कैसे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का हाँ मन में सवाल अनेक प्रकार कहते हैं। कोई कहता है कि हम मेरे पास टाइम नहीं है, इधर उधर खाली टाइम में बर्बाद कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैं लड़की के चक्कर में हूँ, कोई कहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको हटाना ही होगा। अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इस सब को हटाना ही होगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को निकाल दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब। तो देखिए कुछ पॉइंट में हम लिखे हैं। सबसे पहले आप सारे रिश्तेदारी ख़त्म कर दीजिए, चाहे दोस्त हो यार हो जो भी हो, कोई मतलब हमें उससे नहीं है। ज़रूरत के जो चीज़ें हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत है। अपना फैमिली है कुछ हो गया, चाहे कोई दोस्त है, अगर बाई चांस ऐसा होता है तब हम ज़्यादा अटेंड में जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो हम ऐसे बेसुजुल खर्च नहीं, वहाँ होटल में चलो तो घूमने चलो तो वो करो, ये सारा चीज़ बंद करना होगा आपको। दूसरा चीज़ है वो सभी फालतू काम को बंद करिए, जितना भी अलग अलग काम करते हैं बंद कर दीजिए और पढ़ाई में आपका टाइम लगाना है। तीसरा चीज़ लिखे हैं कि अपने आप से पूछिए कि हमें क्या करना है, और इस चीज़ को हमेशा आप पूछते रहिए कि हमें क्या करना है। अपने आप से पूछिए कि हमें क्या करना है, उस चीज़ को बार बार याद करवाइए कि हमें क्या करना है। तो हमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनना है, इस चीज़ को माइंड में रिपीट होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि 90 दिन का एक चार्ट बना लीजिए, 90 दिन अभी टाइम है आपका, 90 दिन का एक चार्ट बना लीजिए कि 3 महीना के अंदर हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें कब टाइम में पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, GKGS कब पढ़ना है और ट्रेड कब पढ़ना है। तो ये सारे चीज़ की एक चार्ट बनाइए और अपने जहाँ स्टडी रखे हैं रूम वहाँ पर चिपका दीजिए और उसको फॉलो करना चालू कर दीजिए। अपने आप जैसे सुधर जाएंगे, ठीक है, अपने आप हैबिट हो जाएगा और आदत जिस दिन अगर हो गया तो समझिए कि आप सफल हैं, ठीक है। आदत ही सफलता की ओर ले जाता है, ठीक है। पांचवा जो है से हमारे साथ ग्रुप में, सॉरी हमारे साथ ग्रुप में करें, और एक चीज़ और, ग्रुप में आप तैयारी ज़रूर करिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप में होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप से होता क्या है कि वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन में बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। हम लोग कोई टॉपिक उठाते हैं तो वहाँ पे हमारे जैसे कम से कम तो 10 या 15-20 लोग वहाँ पे रहते हैं, और 20 वो अगर कोई लोग हैं तो सबका अलग अलग माइंड है, सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, जानकारी, सारा चीज़ सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज़ वहाँ पर रहता है तो आपको कुछ नया चीज़ वहाँ पर मिल जाता है और मन भी लगेगा एक दूसरे से पढ़ने में। तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में इतना खो जाना कि लोग पागल कहने लगे, पढ़ाई इतना करना है कि लोग कहे कि सलाई पागल हो गया, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई करना है कि लोग जब भी देखे तो कहे नहीं पागल है पढ़ाई में, ठीक है। तो उस तरीका से आप अपनी पढ़ाई को लगे। और एक चीज जो लास्ट हम लिखे हैं कि अपने हमेशा अपनी लक्ष्य को, हमेशा अपनी लक्ष्य को याद करना चाहिए। हमेशा जो लक्ष्य है आपका कि हमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनना है, तो उस चीज़ को बार बार माइंड में सेट करिए, बार बार माइंड में लाइए उसको। उससे आपका प्रेरणा होगा, प्रेरणा मिलेगा और साथ में आपको करने की जुनून आएगा कि हमें करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 से 2 दिन में हम थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। उससे जब भी थकान अगर महसूस करिए तो आपने माता पिता को याद करिए। दूसरी चीज़ आपने जो लक्ष्य है उसको जो है से आप याद करिए, और याद करिएगा तो एक जुनून अंदर से आएगा और फिर वही कार्य को करना शुरू कर दीजिएगा। तो आप काम एकदम रेगुलर करिए, आप कभी भी हार इसे नहीं मानिए तो आप एक दिन सफल एकदम होइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, और अगर एक क्लास लेना चाहते हैं आप लोग, करना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास दे रहे हैं, इसमें कोई पैसा उसा देना के जरूरी नहीं है। फ्री में आपको कुछ मिल रहा है,
एक पेज में हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्री में आपको क्या क्या चीज़ें हम देने वाले हैं। तो आपको ड्राइवर, देखिए ड्राइवर की एक क्लास आपको मिलेगा डेली, एक क्लास डेली मिलेगा, डेली करें अल्टरनेट मिलेगा, एक दिन क्लास और एक दिन टेस्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलेगा ट्रेड का, ठीक है, ई ड्राइवर ई ट्रेड का चलेगा, समझ रहे हैं। तो एक क्लास और एक टेस्ट सीरीज, ये दोनों अल्टरनेट है, एक दिन ही चलेगा तो एक दिन ही चलेगा, ठीक। अगर एक क्विज जो आप करना चाहते हैं, क्विज अगर करना चाहते हैं ड्राइवर ट्रेड का, ठीक है, ड्राइवर ट्रेड का, तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर का हमने करवाया था उस प्रकार से आप लोग भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विज अगर चाहिएगा तब तो हम इतना चीज़ आप लोग को करवा देंगे, ये 50 नंबर का सोचना नहीं है यहाँ से, ठीक है। और बाकी सारा चीज़ जैसे मैथ हो गया तो मैथ हम रेगुलर आपको दे रहे हैं, वहाँ से सीख सकते हैं आप, ठीक है। और आने वाले समय में उसका भी लाइव क्लास चलेगा मैथ का भी, तो हम मैथ और ड्राइवर से हैं तो आपको ये दोनों चीज़ हम कंप्लीट करवाएंगे। और आपको जो हम बताएं वो ग्रुप में जीके जीएस आप पढ़ सकते हैं, जीके जीएस विलेज में, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको चलता है, स्टार्ट किया गया है अभी ग्रुप डी का चल रहा है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।